रोनी रोनी देखो अभी तो मैं आ गई हूँ, इसलिए आज वोटिंग का दिन है और ये वाला दिन हमने मिस नहीं करना, वोट तो जरूर डालेंगे। आप तो नहीं देख रहे, बात कर रहे हैं। अभी हम पहुंच गए बाबर के घर, सरप्राइज देंगे। चलो 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 चलो, हमने कहा जाए एकदम सरप्राइज दे। कैसे हो, ठीक हो? ओ मीर कहाँ है, मीर कहाँ है? अरे मीर तो डर रहा था से। बाकी उधर बैठे होगे, उनको भी नहीं पता। क्या हाल है, ठीक हो? हाँ ठीक हो। रोनी रोनी देखो अभी तो मैं आ गई हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए स्पेशली वहां से आई हूँ। मैंने कहा जाके सरप्राइज दूँ अपनी बहन को। कैसी है फादिया, ठीक हो? याद करती थी मुझे? हाँ फादिया से मिलना है। आप आयत को याद करती थी, तैयबा को याद करती थी? हाँ मैं कौन हूँ, याद हूँ कौन हूँ? कैसे हमजा, ठीक हो? कैसा लगा हमारा सरप्राइज? अच्छा अच्छा था। तो बच्चे भी परेशान हो गए, कैसे सरप्राइज मत देना। सरप्राइज कैसा लगा? नहीं सरप्राइज ऐसे किसी को अभी तक यकीन ही नहीं होता। मैं पीछे गाड़ी के पीछे छुप के बैठी थी, ऐसे तेजी से चलते हुए जा रहा है, मैं पीछे छुप के बैठी गाड़ी। मैं पता है क्या बोल रहा था, मुझे लग रहा था कि आज ये लोग वहाँ पर कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अच्छा। कल परसों तक वहाँ से आएंगे, मेरे दिमाग में ये चल रहा था, ये नहीं था कि इतनी जल्दी सरप्राइज। मैंने कहा ये एक दिन अगर दो दिन वहाँ रुक गई ना, फिर यहाँ वालों को समझ आ जाएगी, बस अब इधर रवाना हो रही है। यहाँ पर आए हैं, पहले तो जल्दी जल्दी इन्होंने मुझे खाना खिला दिया। पाँच महीने बाद आज मैं पीने वाली हूँ फातिमा के हाथ की चाय, अच्छी लगेगी। फातिमा के हाथ की चाय भी पी ली और अभी मैं जा रही हूँ, ठीक है बाबा? चले भाई चले, ठीक है। हाँ अब तो आप इधर कराची शिफ्ट हो गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम कुछ टाइम के लिए यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, इनके साथ घूमेंगे फिरेंगे, कराची की रौनकें देखेंगे, कराची की गलियां देखेंगे, गलियां पुराना टाइम याद करेंगे। देखो अभी तुम्हें बहुत मजा आएगा। यहाँ पर आई मुझे इतना याद आ रहा है, सब यहाँ की गलियां दूध देने आते थे, सारे जमा होते थे। कोई बैठा तो नहीं है गली, पहले गली देख लो, तब आप आगे मत जाओ। जैसे हम बाबर के घर से निकले हैं ना, पास ही बिल्कुल बिल्कुल कलसुम खाला का भी घर है, तो चलो इनको भी एक सरप्राइज दे देते हैं जब इतना पास आए हुए। नीचे वकार आए, ऊपर हमने बैल दिए तो उस तरफ चला गया। ओ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कराची। थैंक यू फॉर, ऊपर किसी को नहीं पता, वो तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे भाई। हां अब तो कैमरे ने कैप्चर कर लिया। बहुत अच्छा सरप्राइज था। कैसे आप, खैरियत से? ठीक हूं, खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। कल जाकर सरप्राइज दिए ना, ठीक है? खाला नींद में तो नहीं है ना? ख्वाब तो नहीं देख रहे, बात कर रहे हैं। अच्छा हमने डोर नोक किए तो इनको भी नहीं पता था ये सारे पीछे उनके हैं। सरप्राइज आपको हमारा कैसा लगा? बहुत अच्छा, अच्छा लगा खाला। देखा था, अम्मी को भी दिया था। अच्छा लाइव भी लगाई, लोग पूछ रहे थे किस पंजाब, हमने पता नहीं पंजाब का, मुझे कब परसों से फील हो रहा है कि आप आ रही हैं। जब मैंने ना आज अम्मा से बात की तो अम्मा ना अजीब से बात कर रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई है। नहीं मैं भी सरप्राइज मिलने वाले हैं। अच्छा बस अम्मी ने पहले लेकिन इतना जल्दी मिलेगा दो घंटे बाद यही पता था। अच्छा पहले अम्मी को समझा के थी कुछ भी नहीं बताना, अम्मी बोल के बैठेंगे। दो घंटे पहले तो मैंने आपको मिला, पंजाब में देखा है।
तो चलो गाइज, अभी हम जैसे यहाँ पर पहुँचे ना, जैसे हम यहाँ पर आकर पहुँचे ना, आपको मैं अपना रूम टूर देती हूँ। तो हमने ना ये फोन पे सारा कुछ बुकिंग वुकिंग सब कुछ हमने फोन पे करा लिया था। जब हम कराची में यहाँ पर थे ना, तो जब हम रेंट पे जिनसे घर लेते थे, तो हमने उनको ही फोन कर दिया था कि हम कराची से आ रहे हैं घूमने फिरने के लिए। तो उन्होंने सब देख ले के साथ में बच्चे, तो उस हिसाब से उन्होंने फिर हमें ये रूम ढूंढ कर दिया। यहाँ से देखो ये कितना खुला और कितना बड़ा है ना, इसको देख के आ करना हमारी तो थकावट ही दूर हो गई है। इतना खुला मिला है और सामने इतना बड़ा सा जो है ना मिरर लगा हुआ है, इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कोई आगे कोई और घर है। तैबा कैसा लगा आपको? अच्छा है ना। और यहाँ पर ना ये कि काफी खुला है, बड़ा है ना, जैसे पूरा पूरा छोटा सा रूम होता है, वहाँ पर कोई आए जाए तो भी उसकी परेशानी होती है मिलने के लिए, क्योंकि पूरी पूरी जगह ही होती है। लेकिन मुझे ना ये काफी अच्छा लगा, जैसे हम कुछ दिन यहाँ पर स्टे भी करेंगे, कोई हमें मिलने के लिए भी आते, तो यहाँ पर देखो बैठने के लिए कितनी बड़ी जगह है, काफी खुला एरिया है, बैठने की जगह हो गई। और ये हो गया हमारा रूम जहाँ पर हम सोएंगे, बेडरूम हमारा ये हो गया। और देखो यहाँ पर एक सिंगल बेड हो गया और एक डबल बेड हो गया, तो चलो दो बेड मिल गए बिल्कुल पास ही। इसके साथ ड्रेसिंग टेबल हो गई और काफी बड़ी है यहाँ पर, ये देखो आराम से मैं अपनी तैयारियां वगैरह करूँगी। आपको अभी लिपस्टिक लगानी है, अभी सोने का टाइम है। और बाकी इसमें भी सामान, मुझे लगता है ये शायद पहले कोई घर था, है ना, घर बने होते हैं ना, अब ऐसा लग रहा है घर की चीजें जैसे पड़ी हुई हूँ, है ना, अच्छा है वैसे। और ये दोनों बेड हो गए और बिल्कुल इसके सामने ये काफी खुला है, ये बच्चे आराम से घूमते फिरते रहेंगे, खेलते रहेंगे, काफी प्यारा है ना। इतने देखो जूते किसे बना के रखे हैं अपने बहना के। यहाँ पर देखो इस साइड पर अटैच वॉशरूम हो गया, यहाँ पे वॉशरूम है, बाकी इस साइड पर वॉशरूम कोई भी नहीं है। थोड़ा सा रेस्ट करूँ, फ्रेश भी हो जाऊँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सुकून आ गया। मम्मा का सर दबाओ। सदके मेरा बच्चा, ओ मेरा राजा, ओ मेरे दिल का राजा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। ओ आयत कितना मजे से दबा रही है मम्मा का सर। थैंक यू, वेलकम मम्मा। मुस्तफा मम्मा की जान, मेरी मम्मा को देखे। दुआ कैसी हो? मुझे बात तो करने दो दुआ से। मम्मा कैसे है मम्मा का शहजादा? दुआ, दुआ कैसी हो? ठीक हो? हैप्पी बर्थडे दुआ। वोट देंगे ना? अभी अभी जाए, हमारा वोट भी इधर ही है कराची का। इधर ही है कराची का। मुस्तफा आप वोट देने गए? वोट देने गए, पीटीआई को वोट देंगे, प्रेसिडेंट बनाऊंगे इमरान खान को। और आपकी टीचर किसको वोट दे रही है? दुआ के साथ खुश है, दुआ भी काफी खुश है। कहती है मोबाइल पे शीशा लगा हुआ है, बर्थडे पे कैसे आऊँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अभी मॉर्निंग हो चुकी है और देखो सुबह सुबह कौन आया। सुबह सुबह आई है फातिमा हमारे पास नाश्ता लेकर। तो हमारे लिए इतना सारा यहाँ पर हलवा पूरी कराची का नाश्ता लेकर आई है, जो की यहाँ का बहुत मशहूर है। पसंद आया यहाँ कराची? जी पसंद, दिल लग गया घर में जी। दिल आप यहाँ पर थी ना, आपने बुलाया था ना। हाँ, यहाँ पर आपके साथ रही हूँ इसलिए दिल। हाँ, दो चार महीने पहले यहाँ पर लगा कर गई है। गुड मॉर्निंग। आपने वोट दे दिया? नहीं अभी आपके साथ जाना। वोट तो मिस नहीं करना, वोट तो आज डालना है। अच्छा ये तो बताओ किसको दे रहे हो वोट? आज हम इसे नाम पूछ, आज हम इनसे नाम पूछ के रहेंगे, बताओ। हाँ, किसकी सपोर्टर बैठे, किसको वोट करोगी? पता नहीं, ये भी पता नहीं। ठीक हो फातिमा? और ये आ गई हमारी सुमेरा, कैसी हो? ठीक हो? आप हमारे घर में आई हैं, वेलकम है आपका। और बाबर भाई कैसे? ऐसे ये जीते रहो, जीते रहो, फूलो फलो। अभी हम देखो तैयार हो गए इलेक्शन के लिए, चलो वोट डालने चले। हम डाल के आ गए, हम डाल के आओ। हाँ पहले डाल के लिए आपने वोट डाले, वोट तो डालना पड़ता है हमारा, हम सब का ना गांव का, इसलिए हमें दिल और दुआएं साथ। हाँ आप वोट किसको दे रहे हो? देखो हम स्पेशली इस्लामाबाद से यहाँ पर आए हैं कराची में वोट डालने के लिए। आज वोटिंग का दिन है और ये वाला दिन हमने मिस नहीं करना, वोट तो जरूर डालेंगे, अपने फेवरेट को ही डालेंगे जो हमारा पसंदीदा है, हमें लगता है कि हमारे पाकिस्तान को अच्छे से संभाल सकता है और हमारे पाकिस्तान को आगे लेकर चलेगा। वोट डाल दो, बाकी अल्लाह के ऊपर है। अब दुआएं भी बहुत सारी हैं कि जितवाएंगे उसी को इंशाल्लाह। मैं जितवा के आऊंगी, जाओ अपना वोट डाल के फिर रिजल्ट देखेंगे।
रिजल्ट देखेंगे जब मेरा वोट वोट अगर जीत गया ना फिर पता ना कि हार गई जीती है। मैं नहीं बताऊंगी मैं किसको वोट डाल रही हूं। जब ये रिजल्ट आएगा उस दिन बताना कि तुम हारी हो या जीती हो तुम्हारे लीडर जो था। इंशाल्लाह जितवाएंगे हम अपने लीडर को इंशाल्लाह। चलो भाई वोटिंग वाले आ जाओ, मैं वहां पर लाइन में खड़ी हो जा रहा हूं। बोलूं कि ना मैं इसको स्टैंप लगानी हूं, बोलना कि भाई मुझे ये वाली पार्टी सारे मिलके मर गए। अच्छा दूसरी पार्टी को देने आएंगे। एक तो पार्टियों की लड़ाइयां भी बहुत होती है वहां पर, सारे चुपचाप मुंह पे ऐसी उंगली रख के खड़े होते हैं और चुपके से जाकर सीक्रेट होता है इनका। एक दूसरे को बताएंगे नहीं कि हम किसको वोट डालने के लिए आए हुए हैं, कोई भी नहीं बताएगा। लाइन में सब खड़े होंगे, सब अपने दिल में बस और जो है लोग झूठ भी बोलते हैं, बोलते हैं मैं तो उसको दे रहा हूँ, दे रहे दूसरे को होते हैं ताकि इनको ये किसी को बता ना दे। ये पार्टियों का मसला है ना, पार्टी का मसला है, फिर मोहल्ले में रहना भी तो है। चलो जी हम यहाँ से जा रहे हैं, बाकी आप सब इधर ही बैठो फिर अभी आगे। दूसरा मोबाइल उधर ही है, वो वीडियो अपलोड होगी इस पे। और यहाँ पर देखो बाहर छोटा सा ऐसा गार्डन भी है, हम निकले ही नहीं है बाहर, अंदर के अंदर ही रह गए। प्यारा है ना, क्यूट सा। वैसे हम सुबह में आ सकते हैं यहाँ पर, थोड़ी बहुत वॉक करें चाय पीने के लिए, अच्छा बना हुआ है यहाँ पे। ये इस गेस्ट हाउस में ही है। चलो निकलो निकलो, बाहर खड़ी की है। आने दो आने दो आने दो गाड़ी, मैं इनको समझाने के लिए बैठती हूँ, रास्ते सीख रही हूँ ना। सबकी जान बनेगा मेरा पाकिस्तान, बनेगा मेरा पाकिस्तान। इंशाल्लाह उम्मीद बहुत है, दुआएं भी बहुत सारी हैं, जरूर जीतेगा जहाँ पर हम वोट दे रहे हैं। गाइस देखो यहाँ पे रश और फूलों की दुकान देखो, मैं हमेशा हम ना फूल यहाँ से लिया करते थे। और यहाँ पे वोटिंग का रश देखो, यहाँ पर ना वो मीडिया वाले भी आए हुए हैं, हर कोई रिकॉर्ड कर रहा है सब कुछ, तो लाइनें लगी हुई है बहुत। और यहाँ पर देखो वोटिंग है, जो जीतेगा कल ही रिजल्ट आ जाएगा ना, है ना। और जैसे ही कोई जीतेगा देखो अब कौन कल जीतता है, तो कल ढोल बजना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर कराची में, जश्न मनाया जाएगा जो भी जीतेगा। तो देखो हम कहाँ तक हम भी अपनी खुशियाँ मना पाते हैं, अल्लाह करे कि हमारा यहाँ पर कराची आना ये सब लकी हो हमारे लिए, हमने जिसको चूज किए हैं, देखो क्या होता है। चलो जी वोटिंग के लिए पहुँच गए फाइनली, मेरा NIC पर हमारा जो है ना, जैसे जहाँ का आपका NIC पे जहाँ का एड्रेस होता है ना, तो वहाँ पर ही आप अपना वोट डाल सकते हो। तो हमारा देखो कराची का एड्रेस था हमारे NIC पे, तो इस वजह से हम यहाँ पर ही डालने के लिए वोट आए हैं स्पेशली, और हमारा पहला वोट है काफी टाइम के बाद। हाँ। और देखो रश गाइस, रश चेक करो यहाँ पर गाइस, यहाँ पर देखो रश देखो, मेरा फाइनली लग चुका है और मैंने वोट तो दे दिया है, ये देखो। चलो अब निकलते हैं यहाँ से। और जो आदमियों वाली लाइन थी ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, बहुत लंबी लाइन थी, अंदर कैमरा भी अलाउ नहीं था। और जो हमारी लेडीज़ वाली लाइन थी वहाँ पे रश बहुत कम था, तो मैं जल्दी जल्दी देखो वोट डाल के अपना आ गए। और इतना अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, इंतजार कर रहे होंगे देखो कल तक का, सब इंतजार करते हैं कि कौन जीतता है। ये देखो पता है आज मैं गई थी अपने मोहल्ले में, तो हमारे मोहल्ले का जैसा गवर्नमेंट बड़ा स्कूल है मेन रोड पे, तो वहाँ पर ये सब सारा वोटिंग चल रहा था, वहीं पर ही सब अंदर थे और मोबाइल फोन अंदर अलाउ नहीं था, वरना अंदर जैसा एक सबका एक एक जोश एक जुनून देख के ना पब्लिक का, सारे इतनी लंबी लंबी लाइन से जैसे लगे हुए थे और डब्बे इतने। अभी तो मैं तो काफी खैर लेट आई हूँ, सुबह से हर कोई वोट डालने के लिए निकल गया था। हमारा ना इस मोहल्ले में घर था, जो मैंने अपना पहला घर लिया था अपने अब्बू की जमीन से, आपको मैंने बताया था गाँव का है, पंजाब का NIC बना हुआ, तो वहीं का एड्रेस था। फिर जब मैंने अपना यहाँ पर घर लिया, फिर जब मैंने अपना यूट्यूब का चैनल बनाया था, तो उस पर जो है ना आपको मतलब वो एड्रेस वही देना होता है जहाँ पर आपको वो आए, वो क्या बोलते हैं पिन आती है, कि जब आपको पहली पेमेंट मिलती है तो उससे पहले आपको एक पिन आती है यूट्यूब की तरफ से, और उस पे जो है ना आपका NIC का एड्रेस सब कुछ वही होना चाहिए, तभी आपको आपके घर पे मिलती है। तो फिर मैंने अपना NIC पे जाकर एड्रेस चेंज कराया था, पहले गाँव का था फिर यहाँ का कराया था, तो उस वजह से उस टाइम के बाद अब सारे हमारे एड्रेस हमारे घर के बिल सब कुछ जो है ना यहीं का ही था, जो बिजली के बिल थे गैस के बिल थे, मतलब हर एक चीज पे ना हमारे यहीं का एड्रेस ही था। उस वजह से देखो वोटिंग टाइम पर ही मुझे निकलना था, कि मैंने क्योंकि हमने अपना वोट भी मिस नहीं करना, मेरा बहुत ज्यादा दिल था कि मैं वोट जरूर जाकर दूं, वोट जरूर डालूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखो फाइनली वोट डाल दी, और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग इधर ही एंड करूंगी, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो गया, कल का व्लॉग था, कल जैसे मैं फातिमा को सबको मिली एक सरप्राइज दिया है, और सब बहुत ज्यादा इस चीज से खुश भी हैं, अभी बैठे हैं बाहर कहीं निकलेंगे, और वो फिर आप नेक्स्ट व्लॉग में ही देखना। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, जिस मकसद के लिए आई थी, चलो ये वाला मकसद तो पूरा हो गया, और बाकी आगे इंशाल्लाह सेलिब्रेशन भी है वो भी करूंगी, अभी घूमेंगे फिरेंगे कराची को अच्छे से। और अभी आई हूं ना इतना टाइम बाद, बहुत अच्छा लग रहा है सच में, यहाँ पर बहुत एक खुशी मिल रही है, हर अपने अपना जैसे एक गाँव होता है ना खुशी मिलती है, तो मुझे कई ज्यादा अब यहाँ पर आकर एक खुशी मिल रही है, क्योंकि ये गलियाँ
यहाँ पर एक मेरी वो एक स्ट्रगल वाली लाइफ गुजरी है ना, तो बहुत याद आता है कि दूध वाली दुकान से दूध लेने जाती थी, यहाँ से मेडिसिन लेने जाते थे इस मेडिकल स्टोर पे, तो वो सब कुछ एक याद आता है ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि बचपन जैसे बचपन हमने इन गलियों में गुजारा हो। तो खैर आगे सब देखेंगे, जाएंगे हर एक जगह पर, और हाँ आगे मैं उस घर पे भी जाऊंगी जहाँ से मैंने अपना व्लॉगिंग शुरू किया था, जहाँ से अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, और मैंने यूट्यूब को चुना था और वहाँ से शुरुआत हुई थी, और वहाँ से आप सब ने मुझे पहचाना था। उस घर में तो मैं ज़रूर जाऊँगी, पक्का पक्का। हाँ तो वो सब नेक्स्ट व्लॉग में देखना, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।